आँखों का नूर, दिल का सुरूर, घर वालों को जिस पर था गुरूर, वो कोई और नहीं बल्कि मन्नत थी। लेकिन उसने ऐसा काम किया है कि सिर्फ दुआ का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया है। और मन्नत ने जो तकलीफ दी है उसके कारण तो आज दुआ बेहोश हो गई, क्योंकि उस पर मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूट रहा है, मानो दुआ इस दुनिया को अलविदा कहना चाहती हो। बात दरअसल ये है कि घर वाले मन्नत का इंतजार कर रहे होते हैं कि दुआ, इबादत और सुभान जरूर मन्नत को घर ले आएंगे, लेकिन ये सभी मायूसी के साथ घर लौटते हैं। वहीं मन्नत और हफीज ये फैसला करते हैं कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहते। हालांकि कायनात को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन कायनात अपने परिवार के साथ किसी भी तरह जाना चाहती है। ये घर छोड़कर कायनात गई तो सुभान को भी जाना पड़ेगा। ये देख इबादत को भी बुरा लगता है, लेकिन वो भी बेबस और लाचार है, क्योंकि वो भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही। आज उस मन्नत ने पुलिस में कुछ भी कर सकती है, कल वो मेरे बेटी को जेल पहुंचा सकती है। अम्मी, आप बताइए क्या करूं मैं, अपने बेटी को जेल पहुंचा दूं? सुभान और कायनात सभी जैसे ही घर छोड़कर जाने वाले होते हैं कि दुआ बेहोश हो जाती है, और इसी बहाने फिर से सभी को घर में रहने का मौका मिल जाता है। इसी के कारण ही तो कहानी आगे बढ़ेगी, और हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।